बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है बेटे। चैप्टर के नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हम लोग यहां पर रूरल एरियाज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पर पर्टिकुलर रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कहां पर बच्चों? इंडिया के। हमारे यहाँ पर बहुत लीजेंड लीडर्स रहे हैं, उसमें से एक बहुत महान नेता इंडिया में रहे और मैं उनको बहुत फॉलो भी करता हूँ, उनकी बातों को बहुत फॉलो भी किया मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सम्मानित नेताओं में से इंडिया में रहे बेटे। उन्होंने ना एक कोट इंडिया के लिए प्रस्तुत किया, उन्होंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में एक कोट इंडिया के लिए प्रस्तुत किया था। वो क्या था सुनो जरा। उन्होंने ये कहा इंडिया तो डेवलप कर रहा है, उन्होंने कहा इंडिया तो डेवलप कर रहा लेकिन भारत पिछड़ रहा है। देखो बेटे कितनी बढ़िया कोटेशन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दी थी अपने भाषण में कि इंडिया तो डेवलप कर रहा है लेकिन साथ साथ बेटे भारत जो है ना वो पिछड़ रहा। यहां पर उन्होंने ये जो वर्ड भारत, यहां पर ये जो शब्द वो यहां लेकर आए ना बेटे, उन्होंने शब्द का मतलब रूरल से किया था बेटे, रूरल इंडिया। और यहां पर उन्होंने वर्ड इंडिया यूज किया, ये अर्बन इंडिया के लिए किया। उन्होंने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अर्बन सिटीज, शहर तो इंडिया में डेवलप हो रहे हैं लेकिन अभी भी बेटे हमारे यहां पर जो रूरल इंडिया है वो डेवलप नहीं हो रहा है, वो पिछड़ रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है इंडिया के लिए कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट सिर्फ शहरों में दिखाई दे रहा है, अभी बेटे विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं है। आपको हैरानी होगी इस बात को सुनने में कि इंडिया में अभी भी बेटे कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे विलेजेस हैं, कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां अभी भी पानी नहीं है पीने के लिए बेटे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर, वहां पावर जनरेशन की बात नहीं होती है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी ट्रेन नहीं पहुंच पाई है, उनको ट्रेन के लिए बेटे 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर आगे आना पड़ता है स्टेशन के लिए। तो आप समझो कि इंडिपेंडेंस के इतने टाइम के बाद भी हम लोग नहीं अभी तक वहां आपूर्ति कर पाए। तो आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले क्या सिचुएशन होगी इंडिया की, क्या स्थिति होगी हमारे यहाँ पर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें आपको ये पढ़ाना है कि हमारे यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया, हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं और हम लोग किस तरीके से अपने रूरल इंडिया को डेवलप करने की बात को लेकर आए, हम किस तरीके से रूरल इंडिया के डेवलप करने की बात को आगे लेकर आए। बेटे मोदी साहब ने एक इम्पॉर्टेंट मिशन स्टार्ट किया, स्वच्छ इंडिया भारत, तो स्वच्छ इंडिया मिशन जो स्टार्ट किया है ना, क्लीन इंडिया मिशन करके, स्वच्छ भारत वाला। सबको लगा कि ये क्या बेकार की बात कर रहे हैं, इतना पैसा उन्होंने उस मिशन पे लगा दिया बेटे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हमारे यहाँ पर सारी चीजें साफ हो, हर जगह क्लीनलीनेस हो, सब चीजें क्लीन हो बेटे, कहीं कोई गंदगी ना हो, हर कोई उस बात को समझे, तो ये छोटे छोटे मिशन ही बेटे किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। तो अब मैं आपसे यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद कुछ ऐसे चीजों पे चर्चा करूंगा, कुछ ऐसे प्लांट्स पे चर्चा करूंगा, कुछ ऐसे सोर्सेस पे चर्चा करूंगा कि जहां से आपको ये समझ में आएगा कि हमारी गवर्नमेंट्स ने
और अभी जो गवर्नमेंट है वो भी, जो पहले गवर्नमेंट्स गई वो भी, उन्होंने किस तरीके से इंडिया में रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए काम किया। लेकिन पहले तो हम ये समझे कि ये जो वर्ड है रूरल डेवलपमेंट बेसिकली ये है क्या। बेटे रूरल डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। मैं इसको कोई 5-10 लाइन 10-15 लाइन में नहीं बांध सकता। तो रूरल डेवलपमेंट एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो असेंशियली फोकस करता है उन एरियाज की डेवलपमेंट में जो बहुत लैगिंग बिहाइंड है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं डेवलपमेंट से, ओवरऑल डेवलपमेंट से। और बेसिकली वो है कहाँ पर, वो है विलेजेस के अंदर, हमारी विलेज इकोनॉमी के अंदर। तो हम यहाँ पर उन एरियाज की डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पर फोकस करेंगे डेवलपमेंट के उन एरियाज को लेकर जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, लैगिंग बिहाइंड है ओवरऑल डेवलपमेंट से विलेज इकोनॉमी के अंदर। बेटे ये एक प्रोसेस होता है, रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो अटेम्प्ट कर रहा है, जो इस बात को अटेम्प्ट कर रहा है, जो इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रूरल पीपल की, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, बेटे गांव में रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कैसे अपग्रेड कर पाए, हम कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बेटे आप देखो, सोचो, आप मेरी बात को ना थोड़ा सा माइंड में लेकर आओ। आप सोचो, अक्षय कुमार साहब ने 3 साल पहले एक मूवी बनाई टॉयलेट। आप हकीकत में जाने बेटे, वो भारत देश की सबसे गंभीर समस्या है जिसके ऊपर उन्होंने वो मूवी बनाई। अभी भी हमारे यहाँ पर रूरल एरियाज के अंदर, विलेजेस के अंदर लोग टॉयलेट्स बनाने की बात को नकारते हैं। वो कहते हैं साहब टॉयलेट अगर घर में होगा तो घर ठीक नहीं है साहब, वो नेगेटिव घर, मतलब ऐसी सोच है अभी लोगों की, बहुत पुरानी सोच है। तो बेटे उन्होंने अपनी मूवी बनाकर इस सोच को बदलने की कोशिश करी, उन्होंने इस बात को बताया कि साहब रूरल एरियाज के अंदर अभी भी लोग क्या समझते हैं, किस तरीके से सब बातों को जानते हैं। तो आप समझो कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तभी देखो अभी इस वक्त 2020 चल रहा है बेटे, मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ जब वो मूवी आई, कि अभी भी वो प्रॉब्लम इंडिया में है। तभी उन्होंने वो मूवी बनाई, लोगों ने उस मूवी को देखा क्योंकि वो प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो कभी वो टॉपिक, वो कभी वो उस चीज को नहीं लेकर आते और वो उस चीज को आगे प्रेजेंट नहीं करते। तो हमें यहाँ पर उन सारी बातों को पढ़ना है, उन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ना है जो अभी हमारे सामने है। मैं यहाँ पर आपके सामने 11-12 प्रॉब्लम्स रखूंगा, लेकिन हमारे 12वीं कक्षा के सिलेबस को पहली 4 या 5 प्रॉब्लम्स तक सीमित रखा गया है। उसके आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, वो बीकॉम फाइनल ईयर में जाकर पढ़ेंगे, जब आप इंडियन इकोनॉमी वहां दोबारा पढ़ेंगे बीकॉम फाइनल ईयर। ओके सर, तो पहले हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे और उसके बाद नोट्स पर आ जाएंगे, ठीक है। बच्चे साथ साथ लिखते जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच असेंशियली फोकसेस ऑन द रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच असेंशियली फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी।
in the village economy. It is a process by which attempts are made to improve the standard of living of rural people. Rural development is important for our country because even today, more than 2/3 of India's population depends on agriculture, which is not generating enough output to provide a decent living for them. It is also important because one third of rural India still lives in extreme poverty. Rural development is a comprehensive term which essentially focuses on the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. It is a process by which attempts are made to improve the standard of living of rural people. Rural development is important for our country because even today, more than 2/3 of India's population depends on agriculture, which is not generating enough output. वो इतना output नहीं generate कर पाते कि उनको एक decent living मिल पाए, decent standard of living उनको मिल पाए. It is also important because 1/3 of rural India still lives in extreme poverty. आपको इस बात को भी जानना जरूरी है कि 1/3 of rural India अभी भी extreme poverty में है. आप लोगों ने लिख लिया होगा, इधर देखिए. इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन अ रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट हैव एसेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. इंडिया में
मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां पे वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अराउंड 30% और टोटल पॉपुलेशन स्टिल लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी भी 30% टोटल पॉपुलेशन का पॉवर्टी लाइन से नीचे, अराउंड 30% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन स्टिल लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉइंट नंबर वन, एग्रीकल्चर विद मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी हैज ग्रोन एट अ मीगर रेट ऑफ 2.7% इन द लास्ट 50 ईयर्स। एग्रीकल्चर के अंदर मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी काम कर रहा है, रूरल इंडिया मैक्सिमम एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, लेकिन आप वहां ग्रोथ रेट देखो बेटे, पिछले 50 सालों के अंदर सिर्फ 2.7% वही ग्रोथ रेट है बेटे इन द लास्ट 50 ईयर्स। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू GDP वॉज नॉट ऑन अ डिक्लाइन, वॉज ऑन अ डिक्लाइन, एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। इस बात को भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि GDP की कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर यानी हमारा प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। However, the population dependent on agriculture sector did not show any significant change. Agriculture का proportion GDP के comparison में, GDP के contribution में कम हो रहा, लेकिन population जो पहले काम कर रही थी वो अभी भी उतनी, वहां पे आपको कोई significant change देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां से लोग हटकर secondary sector या service sector की तरफ आए हैं, नहीं बेटे। पॉपुलेशन जो काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जो पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वहां कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है GDP के ऊपर वो डिक्लाइन कर रहा। मोर ओवर, आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, LPG आने के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसेलरेट to 2.3%, which was lower than the earlier years. बेटे economic reforms आने के बाद भी वहां पर acceleration नहीं हुआ, accelerate नहीं करा, increase नहीं हुआ, वो decelerate हुआ, मतलब कम हो गया 2.3% से। Okay sir, ये हमने यहाँ पर कुछ general बातें आप लोगों को पढ़ाई, जो आपको rural development क्यों जरूरी है उसके बारे में यहाँ बताया गया, ठीक है सर। यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मैंने आपको वो लिखवाया भी है और आपके सामने यहाँ लिखा भी है, यहां से लेकर यहाँ तक। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। ये बेटे हमने एक लाइन में रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को लिख दिया कि रूरल डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है, जो इस बात को अटेम्प्ट करता है कि आप कैसे रूरल लाइफ के एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, कि आप रूरल लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, रूरल लाइफ के एस्पेक्ट को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और मैंने आपको यहाँ पर बेटे बहुत सारी बात लिखवा दी थी, तो सर हम नोट साथ साथ लिखते भी जाएंगे। हाँ बेटे, आपको नोट साथ साथ लिखने भी। ओके सर, जो जो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी मैं आपको लिखवाता जाऊं। अगर बेटे ये इंपॉर्टेंट नोट आप एक बार लिखेंगे, मैं जिसके लिए चर्चा कर रहा हूं, रूरल डेवलपमेंट को देखते हुए 2014 के अंदर, अक्टूबर 2014 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी एक स्कीम, मैं उसके बारे में यहां पर बात कर रहा हूं, आपको बारे में पता होना चाहिए बेटे, स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। In October 2014, the Government of India introduced a new scheme
सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ये योजना स्टार्ट करी। अंडर दिस स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी बेटे एमपीज नीड टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज फ्रॉम देयर constituency MPs are expected to facilitate a village development plan, motivate villagers to take up activities and build infrastructure in the areas of health, nutrition and education. आप लिख ले, मैं इसको समझा देता हूं, बहुत आसान सी बात है बेटे। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो ये स्कीम क्या लेकर आई, आप ध्यान से सुनना, इस स्कीम में क्या था। मान लो बेटे हम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी आया है चुनकर, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका एरिया है जहां से वो चुनकर आया, जहां से वो इलेक्ट होकर आया बेटे। इनको ये कहा गया, मान लो ये है एमपी साहब, इनको ये कहा गया कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सारे विलेजेस आते हैं, आप इनमें से किसी भी एक विलेज को सिलेक्ट करो। मान लो उन्होंने ये कर लिया सिलेक्ट इस विलेज को, और अब इस विलेज को आपको डेवलप करना है, आपको इसको डेवलप, और इसकी डेवलपमेंट का सारा प्लान वो खुद बनाएंगे, वो खुद वहां पर रहने वाले विलेजर्स को मोटिवेट करेंगे कि टू टेक अप द एक्टिविटीज एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करें, इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, हेल्थ के लेकर वहां लेकर काम करेंगे ये, न्यूट्रिशन को लेकर काम करेंगे, एजुकेशन लेकर काम करेंगे बच्चों की, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी एक विलेज को खुद डेवलप करेंगे बेटे। और ऐसा हुआ भी, हर एमपी ने अपने लिए एक विलेज को चूज किया, एक विलेज को अपनाया और बेटे उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया। आप यहां देखो बेटे, मैं दोबारा से पढ़ता हूं, इन अक्टूबर 2014
the government of India introduced a new scheme called Sansad Adarsh Gram Yojana. Under this scheme, member of parliament need to identify and develop one village from their constituency. MPs are expected to facilitate a village development plan, motivate villagers to take up activities and build infrastructure in the areas of health, nutrition, and education. Okay, sir. Sir, अब हम इस वाली बात पे तो चर्चा करें कि एक्चुअल के अंदर इंडिया के अंदर रूरल डेवलपमेंट जो है वो चैलेंज क्यों है, की एरियाज क्या क्या है जहां पर ये चैलेंजेस हमारे सामने है, वो कौन कौन से की एरियाज हैं जहां पर रूरल डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ बेटे, मैं आपके साथ उन सारी बातों की बात करता हूँ कि वो की एरियाज क्या है जिसको लेके हमें यहाँ पर चिंता है। ठीक है सर, आप शास्त्र लिखें की एरियाज और चैलेंजेस। In rural development, key areas or challenges in rural development. Point number one, हम किस किस के areas के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमारे सामने क्या क्या challenges हैं, हम उनको कैसे सही करेंगे, पहले अपने सामने प्रॉब्लम्स तो लिखें, फिर हम उनको सही करने की बात करते हैं। प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन द रूरल एरिया। Second, improving agricultural marketing। मैं बेटे सिर्फ अभी पॉइंट्स लिख रहा हूं, इसके ऊपर हमें अभी बहुत विशेष चर्चा करनी है, वो जो हम आगे जाकर करेंगे, बहुत सारी बातों पे हम बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हम प्रॉब्लम्स को लिख रहे हैं। Provision of adequate credit in the rural area, improving agricultural marketing, providing opportunities to diversify farm and non-farm activities in rural area. Problems related to ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो प्रॉब्लम्स, बेटे जो पहले चार पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे, ये जो फर्स्ट फोर पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर हमें बहुत डिटेल चर्चा इस चैप्टर में करनी है। आगे वाले पॉइंट्स हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उन पे चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स के ऊपर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन मार्क। ठीक है, इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, चार पॉइंट्स पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बाद वाले पॉइंट्स पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन वन मार्कर आ सकता है। ओके सर, तो आप लिख लें बेटे एक बार, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस by providing opportunities
for literacy. More specifically, female literacy. Point number six, honest implementation of land reforms. Seven, development of productive resources of each locality. Development of human resource infrastructure development taking special measures for elevation of poverty providing employment weaker section of society. बेटे ये वाले पॉइंट्स हमने डिटेल्ड में चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आपको पता जल्दी लिखें आप. बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा बेटे, हम इस बात को एज्यूम कर लेते हैं कि आपने नोट कर लिया. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चे, यहां क्या लिखा है. प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. बेटे हम लोग प्रोसेस पर तो आ गए. आपने यहां फर्स्ट पॉइंट भी लिख दिया कि आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो. ये लिखा हो फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि गवर्नमेंट जो है बेटे वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करे. मैं आपसे यही तो बात कहने वाला था कि पहले बेटे आपको प्रॉब्लम्स तो पता लगे, तभी तो उसके इंप्रूवमेंट की बात करेंगे. तो सर प्रॉब्लम्स थी क्या हमारे आगे, गवर्नमेंट के सामने क्या समस्याएं खड़ी थी. बेटे पहली सबसे मेन प्रॉब्लम कि आप किस तरीके से एक एडुकेट सक्षम क्रेडिट प्रोवाइड कर पाओ, क्रेडिट दे पाओ
रूरल एरियाज के अंदर, गांव में रहने वाले किसानों को, गरीब लोगों को किस तरीके से एडिक्वेट क्रेडिट मिल सकता है, किस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड हो सकता है, उनके गुड्स को बेचने के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है, हम क्या काम कर सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। हम बेटे वहां पे कैसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जो डाइवर्सिफाई करें फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज को रूरल एरियाज के अंदर, अलग अलग बांट दे बेटे, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज कैसे लेकर आए कि वहां पर वो डाइवर्सिफाई फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज रूरल एरियाज में हो रहे, उनके ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें, हम बेटे वहां पर ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करें, हम उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज दें बेटे उनको पढ़ाने के लिए, लिटरेसी के लिए, हम बेटे स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी को कैसे इंप्रूव करें, हम वहां एक ऑनेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें लैंड रिफॉर्म्स का, हम बेटे वहां पर हर लोकेलिटी के अंदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए कैसे काम करें, हम ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट को कैसे लेकर आए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करें, हम वहां पर बेटे स्पेशल मेजर्स को कैसे लेकर आए जो वहां की पॉवर्टी को एलिवेट करें, वहां पे रहने वाला वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करेंगे। ये समस्याएं गवर्नमेंट के सामने थी बेटे, ये समस्याएं हमारे सामने थी, तो इन समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए, इन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, इन समस्याओं को हम ऑनेस्टली कैसे इंप्रूव करें बेटे, हम वही चर्चा अब यहां पर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो बेटे। ये हमने देखो ह्यूमन रिसोर्स वाली जो बात है ये आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर पढ़ी थी, आपने ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर पढ़ी थी बात बेटे, आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इस बात को अच्छे से पढ़ा था कि अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं, हम लोग स्किल्ड को डेवलप करते हैं, हम ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन को लेकर आते हैं तो बेटे डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है, उनके पास पैसा आता है और उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। हम यहां पर वही बात करने वाले हैं। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इंप्रूव थ्रू फॉलोइंग मेजर्स, हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर अटेंशन दी जाए लिटरेसी के ऊपर, स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी को इंप्रूव किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको स्पेशल स्किल्स डेवलपमेंट दिए जाए, उनको बेटे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उनके फिजिकली ग्रोथ के लिए उनको बेस्ट न्यूट्रिशन दिया जाए। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले बेटे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। आप ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रूरल डेवलपमेंट एम्स एट कॉम्प्रिहेंसिव चेंज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइफ इन ऑल द एस्पेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे, इन ऑल द एस्पेक्ट्स, आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चेंज करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा रूरल लाइफ को इन ऑल द एस्पेक्ट। रूरल डेवलपमेंट को आपने कॉम्प्रिहेंसिव चेंज और इम्प्रूवमेंट लाना है रूरल लाइफ को लेकर, उसके लिए आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट इंडिया इंक्लूड, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, हमारे सामने बेटे चैलेंज है उनको लेकर, वहां पर एक फ्रेश इनिशिएटिव आपको लेना है डेवलपमेंट करने के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए आपको एक फ्रेश इनिशिएटिव यहां पर लेकर आना है। पहला है बेटे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इंप्रूव थ्रू फॉलोइंग मेजर्स, प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी स्पेसिफिकली ऑन फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटी फॉर द फिजिकल ग्रोथ। बच्चे इसको एक बार रीड आउट करेंगे, कोई डाउट है तो मेरे से पूछेंगे।
बेटे बच्चों को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटे, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में क्या क्या कहा गया कि रूरल एरियाज में आप क्या डेवलप करें बेटे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनको डेवलप कैसे किया गया, वो बातें आगे की हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व किया गया बेटे, इलेक्ट्रिसिटी को, इरिगेशन फैसिलिटीज को, क्रेडिट को, रूरल क्रेडिट को, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को, जिसके अंदर बेटे इंक्लूडिंग था कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, फीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज, ये सारी बातें इंफ्रास्ट्रक्चर में रखी गई। और ये सब चीजें अभी हमें बहुत डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़नी भी है। तो उन्होंने कहा कि आप डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करें रूरल एरियाज के अंदर, जहां पर आप इंप्रूवमेंट करें इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, इरिगेशन को लेकर, क्रेडिट मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को लेकर, इंक्लूडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड फीडर रोड्स टू नियर बाय हाईवेज, आप बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर, आप एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन लेकर आए, डिस्पेंटेशन लेकर आए, मतलब एग्रीकल्चर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर की नॉलेज को इम्प्रूव करें, आप एग्रीकल्चर के अंदर होने वाले रिसर्च फैसिलिटी को इम्प्रूव करें, आप उसको एक्सटेंड करें। ओके सर, तो पहली डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स की कही गई है, सेकेंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कही गई है, और थर्ड बेटे लैंड रिफॉर्म्स, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें लिखी थी मेरे साथ, लैंड रिफॉर्म्स में तो आपने बहुत सारी बातें चैप्टर नंबर 3 में मेरे साथ लिखी थी। आप एलिमिनेट करें एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशंस बेटे, जो एक्सप्लॉइटेशन होता था स्मॉल फार्मर्स का, टेनेंट्स का, उसको आप एलिमिनेट करें कैसे भी करके। आप बेटे जो टेलर लोग काम करते थे लैंड के ऊपर, उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोकें। आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो रूरल पुअर पर्सन्स की हैं बेटे, उसको हटाएं, जिनके पास कोई लैंड बेस नहीं था, जिनका कोई लैंड नहीं होती है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करें। आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को इंक्रीज करने की बात करें। तो आप लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जो जो बातें हमने पहले पढ़ी हैं, सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा लिख दिए गए हैं कि आप लैंड को रिफॉर्म्स करने के, जितनी लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज लाए थे वो सारी बातें यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट बेटे हमारे पास था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अभी अभी तो हम लोग पढ़ कर आए पॉवर्टी चैप्टर, कि आप ऐसे स्कीम्स बनाए, आप ऐसे हमारे सामने नई नई स्कीम्स लेकर आए कि जिससे कि आप पावर्टी को एलिवेट करें रूरल एरियाज के अंदर। एज स्टेटेड अर्लियर, मतलब ये पावर्टी वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, अराउंड 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पावर्टी लाइन, सो देयर इज अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप्स फॉर एलिवेशन ऑफ पावर्टी एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन। आप लोगों को एक सीरियस अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, आपको एक सीरियस इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो चार बातें यहाँ पर मुख्य तौर पर की गई कि आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, आप लैंड रिफॉर्म्स को सही से लेकर आए, और उसके बाद एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी करें। आपके सामने चार बातें यहाँ पर रखी गई हैं प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, कि आप ह्यूमन रिसोर्स पे काम करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काम करें, आप लैंड रिफॉर्म्स को ऑनेस्टली लेकर आए, ऑनेस्टली लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आए। देखो बेटे हमने लिखवाया भी है, ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, आप ऑनेस्टी से लैंड रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आए। तो चार बातें आपसे पूछी गई कि आप ये बताएं प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए सर, डेवलपमेंट हो ह्यूमन रिसोर्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी हो। कैसे होगा वो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं बेटे, करेंगे समय आने पर, अभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग 4 दिन इस चैप्टर पर हैं, अभी हम लोग 4 क्लासेस लगाएंगे इस चैप्टर के अंदर, आप परेशान ना हो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो रूरल डेवलपमेंट करने वाले हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो लैंड रिफॉर्म्स का, और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, यहां तक बच्चों को कोई समस्या नहीं है, अभी तक बच्चों ने लिखा है मेरे को।
आप लोगों ने साथ साथ लिखा भी होगा बेटे, इसके आगे हम बेटे जो चैलेंजेस थे हमारे सामने रूरल क्रेडिट के, हमने वो आपके साथ डिस्कस किए थे। हमने आपको 9 चैलेंजेस लिखवाए, की एरियाज हमने आपको लिखवाया रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस को लेकर। अब बेटे हम बात करेंगे कि इन चैलेंजेस से गवर्नमेंट ने किस किस तरीके से अलग किया, इन चैलेंजेस को सामने कैसे फेस किया गवर्नमेंट ने, इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया गवर्नमेंट ने। ठीक है बेटे, तो मैं आपके सामने सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा बेटे, उस टॉपिक का नाम है रूरल क्रेडिट। बेटे ये गरीब किसान है, ये सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ये सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। बेटे इन गरीब किसानों के लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट ने इनको क्रेडिट देने के अलग अलग तरीके निकाले, इनको क्रेडिट देने के अलग अलग तरीके गवर्नमेंट ने निकाले। बेटे यहाँ पे लिखा भी है रूरल क्रेडिट, यानी ये स्कीम रूरल एरियाज के लिए थी बेटे, ये स्कीम रूरल एरियाज के लिए थी, यानी हम लोगों ने रूरल एरियाज के लिए वहां पे रहने वाले गरीब और छोटे किसानों के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज को निकाला। हमने क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में बातें करें। अब सर ये क्रेडिट फैसिलिटीज वहां तक कैसे पहुंची, इन तक कैसे हेल्प पहुंची, इनको कैसे पैसा प्रोवाइड किया गया, इनके सामने क्या क्या ऑप्शंस थे जहां से ये लोग पैसा ले सकते थे। बेटे मैं अभी आप लोगों से सारी बातों पर डिटेल चर्चा कर रहा हूं, बस आप सुनते रहे। गवर्नमेंट ने कहा इनके सामने दो ऑप्शंस आते थे, जिसको बेटे सोर्सेस कहा जाता था, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेस का मतलब बेटे स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। एक होते हैं बेटे नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। और एक होते हैं बेटे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। एक होते हैं बेटे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और एक होते हैं बच्चों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ठीक है, हम दोनों की बात करते हैं, डिटेल चर्चा करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वो होते हैं बेटे जहां पर कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता, जहां पर बेटे कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता, अटैच ही नहीं होता, यहां कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं होते। यहाँ पे तो बेटे आप लोगों को क्रेडिट कौन प्रोवाइड कर देता है, आप लोगों के जानकार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, बेटे वो आप लोगों को क्रेडिट दे देते हैं। जैसे मान लो बेटे हमारे यहाँ पे काम करने वाला जो लड़का है छोटू है, अगर वो मुझे कहे कि भैया मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, और मैं उसको कहता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ लेकिन मैं हर महीने आपसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो बेटे मैं कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्स थोड़ी हूं, मैं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हूं। उसने मेरे से पैसा लिया क्योंकि मेरे यहाँ काम कर रहा है, मैंने कहा 10% का ब्याज दूंगा, उसने कहा ठीक है भैया। मैं तो एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आ गया जहां पे गवर्नमेंट द्वारा रचित कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ आप लोगों को क्रेडिट मिल जाता है
मनी लेंडर्स द्वारा, आपके फ्रेंड्स द्वारा, रिलेटिव्स द्वारा, लैंडलॉर्ड्स द्वारा, शॉपकीपर्स एंड कमीशन एजेंट्स द्वारा। यहां पे बेटे गवर्नमेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती है। सर प्रोत्साहित का मतलब नहीं समझ में आया बेटे? हाँ हम आपको बताते हैं, एनकरेजमेंट। गवर्नमेंट कभी भी एनकरेज नहीं करती है कि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को बढ़ावा दे, कि हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसा ले, गवर्नमेंट कभी उसको एनकरेज नहीं करेगी। ओके सर, तो सर हम एक बार थोड़ा सा लिख लें। हाँ बेटे मैं पहले आपको लिखवा दूं, फिर नोट्स में से हर चीज रीड आउट करवाऊंगा, लेकिन लिखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लिखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटे, नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। रूरल क्रेडिट मींस, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। It is the lifeline of the farming activity. Farmers need credit because most of farmers in India are small and marginal landholders. Who practice subsistence farming they have no surplus for further production. बेटे इससे आसान भाषा नहीं लिखवा पाएंगे, इससे आसान लैंग्वेज लिखवाना बहुत मुश्किल है। रूरल क्रेडिट मींस प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, इट इज द लाइफलाइन ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मर्स नीड क्रेडिट, फार्मर्स को क्यों क्रेडिट चाहिए होता है बेटे? पॉइंट नंबर वन मैंने आपके सामने लिख दिया। मोस्ट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स हु प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दे हैव नो सरप्लस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। Second point, the gestation period between sowing and harvesting is quite high. मतलब जब आप बेटे फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, जब आप बीज बोते हैं बेटे, वहां से लेकर हार्वेस्टिंग तक, जब आप अनाज को काटते हैं तब तक का जो टाइम पीरियड होता है बेटे, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है।
टाइम पीरियड लॉन्ग होता है। सो फार्मर्स हैव टू बोरो to fulfill their various needs during this period. The gestation period between sowing and harvesting is quite high. So farmers have to borrow to fulfill their various needs during this period. तो farmers बेटे उस time period में जब उनके पास कोई काम नहीं होता, harvesting और sowing के बीच का time period जो है, तो बेटे वो अपनी needs को fulfill करने के लिए credit लेते हैं बेटे, उधार लेते हैं, credit लेते हैं, उधार लेते हैं बेटे। Okay sir. एक बार नोट्स में से आप रीड आउट कर लेते हैं। रूरल क्रेडिट, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ, रूरल इकोनॉमी का आगे बढ़ना डिपेंड करता है ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, कि आप टाइमली कितनी कैपिटल वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आए। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है बेटे, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है क्रेडिट की, उनको उधार लेने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर एक लॉन्ग टाइम गैप होता है कि आप जब क्रॉप सोइंग करते हैं और जब वहां से बेटे उनकी इनकम रिलाइज होती है या हार्वेस्टिंग के बाद का पीरियड, हार्वेस्टिंग के बाद वो उसको बेच देते हैं बेटे और उसके बाद अपने इनकम को रिलाइज करते हैं। तो ये जो टाइम गैप होता है बेटे बहुत ज्यादा होता है, टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम जो होती है, इसकी वजह से बेटे उनको क्रेडिट की जरूरत होती है, इसकी वजह से रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। ओके सर, मैंने आपको लिखवा भी दिया बेटे, तो लिखना बहुत जरूरी है आपके पास। अब हम बात करेंगे बेटे सोर्सेस की, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट बेटे हमारे पास दो तरह के सोर्सेस हैं बच्चों, एक सोर्स होता है इंस्टीट्यूशनल और एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो क्रेडिट इन द रूरल सेक्टर इज अवेलेबल फ्रॉम टू सेक्टर्स, आपके सामने दो सेक्टर्स हैं बेटे जहां से आपको क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है, जहां से आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा रूरल सेक्टर के अंदर। एक है आपके पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक है बेटे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मैं पॉइंट नंबर वन में यहां लिख देता हूं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, पॉइंट नंबर टू में लिख देता हूं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सर एक बार हमें आप नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में कुछ लिखवा देंगे? बेटे मैं बिल्कुल लिखवा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखें, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया मैं वही लिखवा रहा हूँ। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और
are those sources of credit which are not attached to any formal institution, no rules or regulations are applicable. No rules or regulations are applicable to these sources the major non-institutional sources of rural credit are money lenders, friends, relatives, landlords, shopkeepers, and कमीशन एजेंट्स. जो बेटे गांव में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, वो बेटे किसानों को उधार देते रहते हैं, उधार देते रहते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए, और बाद में बेटे उनसे उसी पैसे के साथ कुछ अमाउंट को प्लस करके वापस ले लेते हैं. नॉन इंस्टीट्यूशनल sources of rural credit are not encouraged by government because of the following reasons. They charge high rate of interest, they manipulate accounts to keep farmers in debt trap. बेटे एक तो वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और दूसरा बेटे किसान तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, जो छोटे किसान थे बेटे, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं, वो इलिटरेट थे, और इलिटरेट लोगों के साथ वो क्या करते थे बेटे, अनपढ़ किसानों के सामने वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे बेटे, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया करते थे, और बेचारे फार्मर्स उनके प्रिंसिपल अमाउंट को कभी वापस ही नहीं कर पाते थे, वो इंटरेस्ट ही देते रहते थे और वो डेब्ट के ट्रैप में फंसे रहते थे बेटे, वो डेब्ट ट्रैप में ही फंसे रहते थे. They manipulate accounts to keep farmers in debt trap. They charge high rate of interest. बेटे वो high rate of interest charge कर लिया करते थे.
अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे, जिससे कि फार्मर्स क्या होते थे बेटे, डेट ट्रैप में फंसे रहते थे। ओके सर, हमने बेटे आप लोगों के साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करी, इसको हम लोग नोट्स में से पढ़ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पॉइंट नंबर वन, मनी लेंडर्स। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। जो मनी लेंडर्स होते थे बेटे, वो एडवांस करते थे मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट का। ये लोग बेटे किसानों को पैसा दे दिया करते थे, मनी लेंडर्स किसानों को पैसे देते थे और बेटे उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया करते थे। या बेटे रिलेटिव्स, कल्टीवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जब बेटे वो क्राइसिस टाइम में होते थे, जब उनका दुखद टाइम चल रहा होता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो बेटे वो क्या करते थे, वो अपने रिलेटिव से पैसा ले लिया करते थे। मार्केट के अंदर शॉपकीपर, ट्रेडर्स या कमीशन एजेंट्स होते हैं बेटे, वहां से पैसा लेते थे। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट ऑन द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कंडीशन दैट द क्रॉप विल नॉट बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस। बेटे वो उनकी क्रॉप को ही मॉर्गेज कर लिया करते थे, कहते थे हम आपको पैसा दे रहे हैं लेकिन हम उसके बदले में जो मॉर्गेज करेंगे वो आपकी क्रॉप को ही कर लिया करते थे, और बेटे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते थे। तो उन बेचारों की वो जो क्रॉपिंग थी, जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो अनाज पैदा हुआ बेटे, उसको बेचते थे, वो सारा पैसा तो ये ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट ही ले जाते थे बेटे, उनके पास बहुत कम पैसा बच जाता था। या बेटे जो मार्केट में रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं, स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट्स टेक लोन्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। या बेटे लैंडलॉर्ड से पैसा लेते थे जो मार्केट में रिच लैंडलॉर्ड होते हैं। तो आपके सामने कौन कौन से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आए, मनी लेंडर्स, रिलेटिव, शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट या रिच लैंडलॉर्ड्स, ये हमने यहाँ पर लिखा। लेकिन बेटे आपसे अगर एग्जाम में पूछा गया कि यहाँ से पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको आगे प्रोत्साहित करती, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आर नॉट एनकरेज बाय गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन है बेटे हमारे पास, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेटे ये मैनिपुलेट करते थे अकाउंट्स को, जिससे कि फार्मर्स के अकाउंट्स जो थे मैनिपुलेट होने के बाद डेट ट्रैप में फंस जाते। They charge high rate of interest. They manipulate accounts to keep farmers in debt trap. बेटे एक बार जल्दी से आप लोग read out कर लें। बेटे अगर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है तो आप प्लीज मेरे को मैसेज करें। बेटे मैं सब लोगों का वेट कर रहा हूं, आप प्लीज जल्दी से मैसेज करें तो हम आगे चल पाएंगे।
ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। हम अब आगे बात करेंगे बेटे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। बच्चों हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। बेटे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को फॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। यहां पर बेटे रूरल क्रेडिट को लेकर बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए आफ्टर 1969, और बेटे इंडिया ने एडॉप्ट किया सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच, जिससे कि हम लोग फार्मर्स के लिए रूरल क्रेडिट उनको इजिली प्रोवाइड करा पाए। और हमने बेटे बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि डायरेक्टली हम लोग फार्मर्स तक अप्रोच कर पाए और फार्मर्स हमसे डायरेक्टली बात कर पाए और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों से बेटे वो क्रेडिट ले पाए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज हमारे सामने रखे। हम उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बेटे। ये वो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है जिनको ऑपरेट किया जाता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं अंडर द instructions गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, instructions बनाती है बेटे, उसके अकॉर्डिंग हम इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। रूरल क्रेडिट के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए आफ्टर 1969। इंडिया ने अडॉप्ट करी पॉलिसीज ऑफ सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच, जिससे कि हम लोग एक एडुकेट लेवल पर नीड्स को फुलफिल कर पाए, रूरल क्रेडिट की नीड्स को फुलफिल कर पाए फार्मर्स के लिए। ठीक है सर, मैं अभी इतनी सी बात पहले आपको लिखवा देता हूं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, आर दोज सोर्सेस of credit which operate under the instructions of a formal institution in regard to rural credit major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach. To adequately meet the needs of rural credit. एक बार read out कर लेते हैं। Institutional sources are those sources of credit which operate under the institutions of a formal institution. Under the instructions of a formal institution in regard to rural credit, major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach. Social banking and multi-agency approach to adequately meet
the needs of rural credit. The needs of rural credit. सर आप हमारे साथ उन अलग अलग एजेंसीज की बात भी करेंगे? हाँ बेटे, मैं आपके साथ उन अलग अलग एजेंसीज की बात भी करूंगा. ओके सर. Institutional sources, the various non-institutional sources used to exploit small and marginal farmers by lending to them on high interest rate and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap. अब बेटे इस वजह से ये जो हमने लाइन लिखी थी, इस वजह से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे सामने आए. इस वजह से हम लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अपने सामने लेकर आए. पहले बात करेंगे बेटे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज पढ़े बेटे इसके बारे में. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव credit societies is to liberate the Indian peasantry from the clutches of the money lenders and to provide them credit as low rate of interest. बेटे इन लोगों का मुख्य रूप से जो काम बनाया गया, इन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि ये किसी भी तरीके से लिबरलाइज करें, आजादी दें हमारे यहाँ पर गरीब और स्मॉल फार्मर्स को, हमारे पीजेंट्स को जो मनी लेंडर्स के हाथों में दब चुके हैं, क्लचेस हो चुके हैं, उनको क्लच कर लिया गया बेटे डैप ट्रैप के अंदर, और उनको प्रोवाइड करें क्रेडिट, उनको बेटे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, उनको रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का, वो यही था बेटे कि हम किसी भी तरीके से फार्मर्स के साथ डायरेक्टली डील करें बेटे, उनको क्रेडिट सोसाइटीज के साथ जोड़ा जाए, उनको फ्लो ऑफ क्रेडिट उनका इंक्रीज किया जाए, फार्मर्स तक डायरेक्टली वो पहुंचे और उनको किसी भी तरीके से मनी लेंडर्स के हाथों से छुड़ा लिया जाए. ओके सर. बेटे इसको हम लोग थोड़ा और लिख भी लेते हैं. पॉइंट नंबर वन, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. द कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर actively engaged in addressing credit needs of the farmers. Besides offering a host of related services, the main function, the main function of credit society is to provide timely and increased flow of credit to the farmers.
they also provide. They also provide guidance. बेटे उनको गाइडेंस भी देते थे, दी जाती है उनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अच्छा परफॉर्म करने के लिए. दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस टू रेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी. क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उन लोगों को बेटे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के अंदर भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. ओके सर. नेक्स्ट पॉइंट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. बेटे जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए ये फार्मर्स को बेटे हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन. लॉन्ग टर्म लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड. उनकी लैंड को बेटे अपने पास मॉर्गेज करके उसको एज अ सिक्योरिटी रखे उनको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. और लॉन्ग टर्म लोन्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं बेटे? परचेज ऑफ ट्रैक्टर के लिए, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेब्ट्स के लिए, पुराने कर्जों को चुकाने के लिए बेटे, बड़े ट्यूबवेल्स खरीदने के लिए, बिग ट्यूबवेल्स को खरीदने के लिए, बिग ट्यूबवेल्स को खरीदने के लिए बेटे, ठीक है, ओल्ड डेब्ट्स को वापस करने के लिए, ट्रैक्टर्स को परचेज करने के लिए. तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर फार्मर्स को उनकी लैंड को मॉर्गेज करके उनको लॉन्ग टर्म के लिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड. दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड. अपनी लैंड को मॉर्गेज करवा के लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बेटे परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए, परचेजिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रीपेइंग ओल्ड डेब्ट्स. बेटे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं उसको परचेज करने के लिए या आपके पुराने डेब्ट्स को वापस करने के लिए. ओके सर. हम आपको लिखवाएंगे भी. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. दीज बैंक्स provide long term loans on security of land to purchase tractors, repay old debts dig. मतलब बेटे खुदाई करवाना, dig tubewells, tubewells की खुदाई करवाने के लिए etc. सर बस जितना आप लिखवा रहे हैं उतना हमारे लिए काफी है बेटे. मोर देन इनफ, मोर देन इनफ. आपको इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके सर. नेक्स्ट पॉइंट बेटे, कमर्शियल बैंक. बेटे कमर्शियल बैंक्स ने ना, जो भी आप लोग बैंक्स के नाम सुनते हैं, आप लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ भी चुके हैं, हम वही कमर्शियल बैंक्स की बात करेंगे. वहां पे बेटे बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1972 के अंदर. तो 1972 में बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्ट आने के बाद कमर्शियल बैंक्स को बेटे एक्सटेंड किया गया, उनकी एक्टिविटीज को एक्सटेंड किया गया. और उसको एक्सटेंड करने के बाद एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात भी वहां पर की गई.
और एग्रीकल्चरल क्रेडिट किस चीज के लिए बेटे? फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स, कैटल, ट्रैक्टर्स, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। यानी सर हमें ये बात याद रखनी है कि कमर्शियल बैंक्स के अंदर एक बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट आया था 1972 के अंदर, जिसने कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटी को एक्सटेंड कर दिया था, एक्सपैंड कर दिया था, और कमर्शियल बैंक्स भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे थे, ज्यादा प्रोवाइड करने लगे थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे थे। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट किन चीजों के लिए प्रोवाइड कर रहे थे? परचेज ऑफ इनपुट्स, परचेज ऑफ कैटल, ट्रैक्टर्स, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। ओके सर, इनिशियली कमर्शियल बैंक्स प्लेड अ मार्जिनल रोल, मतलब बहुत कम रोल, छोटा सा रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट, स्टार्टिंग की बात है। हाउएवर आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969, या तो आप इस बात को याद रखो कि जब नेशनलाइज्ड बैंक्स बना दिए गए 1969 के अंदर, या मैं अभी आपको लिखवाऊंगा बेटे कि एक बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट आया था 1972 में, उसके बाद दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांचेज इन रूरल एरियाज एंड स्टार्टेड डायरेक्टली फाइनेंसिंग द फार्मर्स। और बेटे उन्होंने अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड कर दिया रूरल एरियाज के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर, छोटे छोटे रूरल एरियाज के अंदर उन्होंने अपनी ब्रांचेस को खोल दिया बेटे। और ब्रांचेस को खोलने के बाद वहां पे उन्होंने फार्मर्स को डायरेक्टली क्या करा बेटे? एडवांस देना स्टार्ट कर दिया। ओके सर, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स। देवर इंडक्टेड इनटू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट अंडर द बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट 1972, commercial banks extend agricultural credit for the purchase of inputs, cattle, tractors, dairy farming, installation of tube wells एक्सेट। परचेज ऑफ इनपुट्स, कैटल, ट्रैक्टर्स, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स एक्सेट। ओके सर, बेटे भारत सरकार धीरे धीरे रूरल क्रेडिट को इंक्रीज करना चाहती थी, तो भारत सरकार ने क्या करा बेटे? बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया। उन्होंने बेटे कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ रीजनल रूरल बैंक्स भी खोलना स्टार्ट किया। रीजनल रूरल बैंक्स,
RRBs। उन्होंने बेटे रीजनल रूरल बैंक्स भी खोलना स्टार्ट किए, और ये पर्टिकुलर बेटे रूरल एरियाज में ही खोले जा रहे थे ना, रीजनल रूरल बैंक्स पर्टिकुलर रूरल एरियाज में ही खोले गए। तो इससे बेटे फार्मर्स को और हेल्प मिली, इससे बेटे फार्मर्स को और हेल्प मिली, फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प मिली। इससे बेटे फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प मिली। यानी सर बैंकिंग स्ट्रक्चर को और इंप्रूव किया गया, बैंकिंग सिस्टम के अंदर और रिफॉर्म्स किए गए, कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स RRBs को भी स्टार्ट कर दिया गया, जो फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प कर रहे थे, जो रूरल एरियाज के अंदर बनाए जा रहे थे बेटे। हाँ बच्चों ठीक है बेटा, अब हम इसी बात को एक बार लिख लेते हैं। एज अ सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट टू कमर्शियल बैंक्स, एज अ सप्लीमेंट टू कमर्शियल बैंक्स, द RRBs हैव ऑल्सो बीन ओपन। दीस have been set up under the regional rural banks act of 1976। Their banking services are meant for small and marginal farmers cater exclusively to the needs of weaker section। As a supplement to commercial banks, the RRBs have also been opened। RRBs को open किया गया बेटे। They have been set up, इनको set up किया गया under the Regional Rural Banks Act of 1976। Their banking services are meant for small and marginal farmers। They cater CATR exclusively to the needs of weaker section। ये बेटे पर्टिकुलर वीकर सेक्शंस के लिए बनाए गए, उनको ज्यादा कैटर कर रहे थे बेटा, ही वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ ज्यादा उनको एक्सक्लूसिवली उन लोगों को ज्यादा कैटर कर रहे थे। सर यहाँ पे RRBs नहीं लिखा है बेटे, वो नोट्स में ना आगे आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें भी हमें बहुत सारी बातें और भी पढ़नी थी। सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेटे आप लोग याद करो, मैं आपको अभी लास्ट चैप्टर के अंदर पॉवर्टी वाले चैप्टर के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पढ़ा कर आया, तो बेटे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक कर दिया गया प्रोग्राम ऑफ माइक्रो फाइनेंस के साथ, मतलब बैंक्स के साथ।
self-help group has emerged as the major microfinance program in the country in recent years. Their focus is largely on those rural poor who have no sustainable access to the formal banking system. ये basically उन farmers के लिए, rural poor farmers के लिए help कर रहा है, जो banking system के साथ formally deal नहीं कर पाते हैं, जो sustain नहीं कर पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं. So their target groups comprise of small and marginal farmers, agricultural and non-agricultural laborers, artisans, etc. Self-help groups promote thrift in small proportions by a minimum contribution from each member. ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटे last chapter में कि वो अपने members से एक बहुत small small proportion के अंदर contribution लेते रहते हैं और फिर जिस person को जिस मेंबर को पैसे की जरूरत होती है बेटे ये उसको बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत मामूली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो पैसा प्रोवाइड कर देते हैं. बाय मार्च 2012 मोर देन 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैड रिपोर्टली बीन क्रेडिट लिंक्ड. बेटे मोर देन 43 लाख मतलब 43 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिपोर्ट किया गया, क्रेडिट लिंक किया गया. बेटे क्रेडिट लिंक का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस के साथ जोड़ दिया गया. ओके सर, अभी हम इस बात को आपको लिखवाएंगे बेटा, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बातों को लिखवाएंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है. जी सर, तो आपने पढ़ा कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. जी सर, आपने हमें पढ़ाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कमर्शियल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. और सर कमर्शियल बैंक आपने हमें नीचे लिखवाया था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज मैंने आपको लिखवा दी. जी सर, यहां लिख लो आप लोग, रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी. बेटे हमारे पास अब यहां पर दो मेन टॉपिक रह गए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर, उसके बाद हमारे को यहाँ पर कुछ क्रिटिकल अप्रेजल यहाँ करना है, क्रिटिकल असेसमेंट करना है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स लेकर आई थी अलग अलग बैंकिंग स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे क्या कमियां थी. और बेटे उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पर आ जाएंगे जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के साथ है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आपने कुछ चीजों को पढ़ना है और लास्ट हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. यानी सर हमें और कितनी क्लास लग जाएंगी बेटे, जो मैं कह रहा था आपको दो क्लासेस और लगेंगी और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ओके सर, तो बेटे आप लोगों ने यहां तक लिखा,